Hello students, now open page number 71 of your history book and the topic is ordinary people and the crime against humanity. So in that question is how did the common people react to Nazism? यानी कि जो common people थे उन्होंने Nazism के action पे क्या रिएक्शन किया. सो मैनी ऑर्डिनरी पीपल फेल्ट हेटर एंड एंगर सर्ज इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यूज. तो व्हेन एवर दे सॉ एनी पर्सन दे ऑल फिल्ड विद एंगर. समवन मीन्स स्पेशली ज्यू. सो दे मार्क द हाउस ऑफ ज्यूज and often reported about suspicious neighbors. So what they did? They marked the house of Jews. Jew ke house ko mark kar diya. Aur jis pe bhi unhe doubt hota tha, us pe jo hai, usko hi report kar dete the. They genuinely believed Nazism would bring prosperity and improve general well-being. So it was the thinking of German people. So what was their thinking? They thought Nazism would bring prosperity and improve general well-being. However, other Germans organized active resistance to Nazism. कुछ जो जर्मन थे वो जो है एक्टिवली जो है नाजिज्म के अगेंस्ट रेसिस्ट या रिवोल्ट करते रहते. Suffering police repression, even death. So, due to that, the police made them kill. But most German were passive onlooker and apathetic witnesses as they were too scared to act, to differ or to protest. So, there were so many Germans. So many supported that, but they don't want to support that. But if you want to survive in the society, certainly you have to do some positive work, what your government wants. Same they are doing, but they were not agreed for that. ठीक है, वो जर्मन या नाजीज पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन सर्वाइवल के लिए उन्हें वो सपोर्ट करना पड़ता था. But for the Jews, लाइफ वॉज ऑल टूगेदर डिफरेंट. तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अगर लाइफ किसी के लिए हुई दैट वॉज ज्यूज. चार्लोट बैडट एन ऑथर सेक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम्स इन हर डायरी. सो वन ऑथर और हर नेम वॉज चार्लोट बैडट. शी रोट एवरीथिंग ऑन हर डायरी and later published the diary in the form of a book called The Third Rack of Dreams. So in that book she wrote everything in detail about the atrocities, the problems faced by the common people at the time of Hitler. She says that even Jews themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. So Jews also start to believe about the Nazi thinking. They dreamed of their hooked noses. So whatever the Nazis wanted, they were thinking like the same. So they dreamed of their hooked nose. अपनी लंबी नाक के बारे में सोचने लगी. Black hair and eyes. Jewish looks and body movement. The stereotypical images publicized in the Nazi press haunted the Jews even in their dreams. They died many deaths before they reached gas chamber. So Jews ko ab sapne mein jis tarike se Nazi unko chahte the ya हाईलाइट करते थे वही दिखाई देने लगा.
और गैस चैम्बर तक यानी अपनी एक्चुअल मौत के पास पहुंचने से पहले वो बहुत सी मौत मर जाते थे। सो आफ्टर द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। सो होलोकॉस्ट से रिलेटेड का नॉलेज। सो सम ऑफ द हॉरिबल प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय नाजीज हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द वॉर। तो जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस गंदी प्रैक्टिस नाजी द्वारा की गई वो थी वॉर के दौरान। बट इट्स फुल एक्सटेंट वॉज नोन ओनली व्हेन द वॉर एंडेड। इसका जो पूरा विभत्सता देखी गई वो वॉर के बाद देखी गई। द एट्रोसिटीज एंड सफरिंग द ज्यूज हैड इंड्योर्ड टॉलरेट बियर ड्यूरिंग द नाजी किलिंग ऑपरेशंस आर कॉल्ड द होलोकॉस्ट। सो जो प्रॉब्लम्स जो हार्डशिप और जो सफरिंग्स ज्यू ने फेस की नाजी किलिंग ऑपरेशन के दौरान उसी को होलोकॉस्ट कहा जाता है। द इंडोमिटेबल स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी गेटोज एंड कैंप इनहैबिटेंट्स हु रोट डायरीज कैप्ट नोटबुक्स एंड क्यूरेटेड आर्काइव्स। सो द इंडोमेटिक स्पिरिट टू बियर विटनेस। अब मेन प्रॉब्लम थी जो विटनेस था एविडेंसेस थे उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए प्रिजर्व किया जाए। जो घेटोज जहाँ पे ज्यूज को रखा जाता था वहाँ पे डायरी के फॉर्म में मिल जाते थे नोटबुक के फॉर्म में मिल जाते थे आर्काइव्स के फॉर्म में मिल जाते थे। इन कॉन्ट्रास्ट द नाजी लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फॉलोअर्स टू डिस्ट्रॉय ऑल इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस व्हेन दे स्टार्टेड लूजिंग द वॉर। तो नाजी ने क्या किया अपने जितने भी सपोर्टर्स थे उन सबको पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया और ये कहा गया कि जब उन्हें लगे कि वो वॉर लूज करें तो वो क्या करें उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चाहे वो घेटोज में हो चाहे गैस चैम्बर्स में सबको जला दें। दीज मेमोरीज बाय द विक्टिम्स आर अ ट्रिब्यूट टू दोज हु रेसिस्टेड द पर्सिक्यूशन अ रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड एंड अ वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस। सो दीज मेमोरीज के ये जो मेमोरी थी क्या थी बाय द विक्टिम्स आर ट्रिब्यूट टू दोज हु रेजिस्टर्ड द पर्सिक्यूशन। तो उन लोगों के लिए जो एक ट्रिब्यूट था जो जो पर्सिक्यूट हो रहे थे रेजिस्टर्ड द पर्सिक्यूशन जो किसी पनिशमेंट को पर्सिक्यूट कर रहे थे रिमाइंडर टू दोज हु कोलैबोरेटेड रिमाइंडर क्यों करे था जो कोलैबोरेट कर रहे थे सहयोग कर रहे थे एंड ए वार्निंग टू दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस और उन लोगों के लिए वार्निंग थी जो साइलेंटली इस एक्ट को देख रहे थे। यानी कि हिटलर के काल में जो होलोकॉस्ट का मेन मतलब है कि होलोकॉस्ट में ही नाजी द्वारा जितने भी इलीगल वर्क की गई उनका डिटेल रिकॉर्ड था। सो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ उसी दौरान हिटलर ने अपने सपोर्टर्स को फॉलोअर्स को पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट किया और उनसे कहा गया कि अगर उन्हें लगे कि वो कहीं युद्ध हार रहे हैं तो उनका पहला काम होगा कि वे इन घेटोज में इन गैस चैम्बर्स में जितनी भी चीज़ें हैं जो ज्यूस और अनडिजायरेबल लोगों से बिलोंग करती उनको पेट्रोल छिड़ककर जला दें। दिस वे द आउटर वर्ल्ड वुड नॉट गेट एन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर एट्रोसिटीज अबाउट देयर पॉलिसीज। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो टुमारो आई विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। टिल देन थैंक यू।